साल पे। सबसे पहले आदिवासी आइए ने हमला किया माओवादियों ने भारत के मूलवासी गरीबों पर, उसके जीने के तरीके पर, उसके इतिहास पर, उसके संस्कार पर, उसकी तहजीब पर, उसकी संस्कृति पर। फिर पत्नी राजद के लोगों ने जीने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। हमारे घर में पप्पू यादव के एक घर में चार भाई और हमारे जीने के तरीके पर हमला हुआ। हमने रास्ते ढूंढने शुरू किए और रास्ता हमारा हमको वोट था। पप्पू यादव का एक भाई बहुत था, उनको प्रमोट कर लिया क्योंकि उन्हें लगा वहाँ जीने के रास्ते हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे मुस्कुराने और जीने का रास्ता नहीं बचा। पप्पू का एक खून बहुत और 600 साल बाद इस्लाम की विचारधारा तो मनुवादियों ने सबसे ज्यादा हमला और तारा लगा करके पूरी चल रही थी। 30 बच्चों को बोली
मेरे पास खौफ का मंजर था रात के 9:40 बज रहा था। पुलिस हेडक्वार्टर के पास से पप्पू यादव बैठा हुआ था, मात्र 11 आदमी हम लोग थे। भूत और खौफ की आवाज से पूरा दिल्ली घूम रहा था। 2 घंटे के बाद सभी लोग इधर गुनगुन करने वाले को रखे, 8,000 आदमी जुटे जिसमें एक भी मुसलमान नहीं था। हम थे चंद्रशेखर था, बाद में कांग्रेस के नाम भी आए और 7,000 सिर्फ हिंदू थे। सोचिएगा ये लड़ाई को क्या सोचते, इस लड़ाई को क्या मानते। मेरा चार खून मधेपुरा आने के 3 रास्ते, 4 भाई और 4 भाई का खून रास्ते अलग। पप्पू यादव के एक परिवार में 4 भाई, चलने का विचारधारा अलग, खून कभी खून अलग नहीं होता। खून को किसी ने अलग नहीं किया, मोदी खून कभी अलग नहीं होता। विचारधारा बदलती है, रास्ते बदलते, खून नहीं बदलते मोदी भारत का। समझो हमेशा हमेशा नफरत, कौन है मुसलमान, नबी, शेख, सैयद, पठान, खान, पसमंदा, नगमा, गली, कौन है? पप्पू झा से शेख, पप्पू शर्मा से सैयद, पप्पू सिंह से पठान, पप्पू यादव से नगमा, पप्पू पासवान से पसमंदा। मेरा ही खून रास्ते बदल दिए। मैं अपने खून से नफरत को अपने ही बदल दी जिसने भारत की मिट्टी से मोहब्बत की। जब चिल्ला 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 के कह रखा है भारत के मुसलमानों तुम्हारा वतन पाकिस्तान है, तो इस भारत के 23% मुसलमानों ने कहा था, अरे ओ काफिर जिन्ना, मेरा वतन वो है जहां इंसानियत के लिए हजरत हुसैन की कुर्बानी का लहू बहा। सुना सुना करके कहा था, अरे वो जिन्ना, मेरा वतन लाल किला की वो कुर्बानी की दास्तान है। 94,000 लोगों ने भारत की आजादी में कुर्बानी दी, जिसमें 64,000 मुसलमानों की कुर्बानी का इतिहास है और 34,000 दलित है। पप्पू यादव नहीं, पप्पू झा नहीं, पप्पू सिंह नहीं, आदिवासी दलित। उस दिन उन्होंने कहा था, ताजमहल की मोहब्बत का वो पैगाम मेरा वतन है, मानवता और इंसानियत का वो ऊंची गुंबद कुतुब मीनार का वो इतिहास मेरा वतन है, टीपू सुल्तान की लहू की कुर्बानी का वतन इतिहास मेरा वतन है, अब्दुल हमीद की वो कुर्बानी का लहू वो इतिहास मेरा वतन है, इकबाल का वो गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, वो गीत कहता है मुसलमानों तुम्हारा वतन भारत है, तुम्हारा वतन है। मोहम्मद रफी की वो दास्तान इंसानियत को पैगाम देने वाला वो गीत कहता है, और वो मुसलमानों तुम्हारा वतन भारत। कितना परीक्षा लोगे,